जितेंद्र, पंजाब की हम अगर बात करें तो पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे पहले बीजेपी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बीजेपी का क्या होगा, क्योंकि इसे लेकर पार्टी रणनीतिकारों के मन में अलग अलग तरह के विचार हैं। कुछ मानते हैं कि अगर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को पंजाब में डबल डिजिट में सीट मिल सकती है तो ये जीत से कम नहीं होगा, तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन इस बार पंजाब को स्वीप करेगा। क्या लगता है बीजेपी के लिए इस वक्त आप किस तरह का माहौल दिख रहे हैं? देखिए, बीजेपी के लिए, मल्लिका, हम लगातार बात करते रहे हैं कि बीजेपी के लिए सबसे पहले हमें ये कहना पड़ेगा कि बीजेपी के लिए पंजाब में हारने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी अगर कुछ भी जीतती है वो बीजेपी के अचीवमेंट यानी कि बीजेपी की सक्सेस स्टोरी में इंक्लूड किया जाएगा। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पहली बार, जैसा अभी आपने बताया, ऐसा हो रहा है कि बीजेपी पहली बार इतनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि अभी भी उनके साथ सहयोगी है, लेकिन सहयोगी होने के बावजूद इतनी ज्यादा सीटों पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात, अब चुनाव का अंतिम दौर है और इस अंतिम दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल ली है। पठानकोट से लेकर अबोहर तक, ये वो इलाका है जो पठानकोट से लेकर अबोहर तक 550 किलोमीटर का इलाका है, जो कि पूरा पाकिस्तान की सीमा के साथ लगता है। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और दूसरी बात, बीजेपी की कहानी में अगर आप घुसकर देखेंगे तो बीजेपी जितना भी ज्यादा वोट लेगी उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल साफ लग रहा है। क्योंकि अभी जो आपने जातिगत और धार्मिक आंकड़े दिखाए थे, उन आंकड़ों में देखिए कि हिंदू आबादी पंजाब में अभी भी बहुत बड़ी तादाद में है और बीजेपी का निशाना है कि किसी तरीके से उस आबादी तक अपना संदेश पहुंचाया जाए। लेकिन यहां पर अब अगर वोटर बीजेपी के लिए हिंदू वोटर कंसोलिडेट होता है, पोलराइज होता है, तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी और अकाली दल को होगा। हालांकि बीजेपी के बहुत ज्यादा कैंडिडेट जीतने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो वोट शेयर बढ़ता है वो कहीं ना कहीं विरोधी दलों को परेशान कर सकता है। दूसरी बात, अब चुनाव का अंतिम दौर है और इस अंतिम दौर में, मल्लिका, कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे पंजाब में दलित की यानी कि जातिगत राजनीति की बात कर रहे थे, लेकिन आज दोपहर होते होते हुए वो जातिगत रंग अब कहीं ना कहीं धार्मिक हो गया है। अरविंद केजरीवाल लुधियाना में बोल रहे हैं कि पंजाब में हिंदू सुरक्षित तब होगा जब आम आदमी पार्टी आएगी, तो एक तरीके से उन्होंने हिंदू कार्ड खेल दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी कार्ड को लेकर आगे बढ़ रही है। तो कल तक जो माहौल था, जिस माहौल की हम बात कर रहे थे, जो जातिगत समीकरण थे, कल तक उनकी बात हो रही थी, लेकिन जाति से बड़ा चुनावों में हमेशा धर्म होता है और धर्म के आधार पर वोट मांगना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए हमेशा से सूटेबल रहा है। और अब वो दौर आ गया है जब अब धर्म के नाम पर भी लोगों से राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपील की जाने लगी है।